सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पा सके हमारी आने वाली वीडियो बड़ी आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम जानेंगे कि रेडियो का इतिहास क्या है। UGC नेट मास कम्युनिकेशन का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर रेडियो के बारे में काफ़ी पूछा जाता है और उसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। और दोस्तों बेल का जो बटन होता है, घंटे का बटन, उसे ज़रूर दबाइए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन वो आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। दोस्तों देखिए, वैसे तो अगर आप रेडियो के इतिहास के बारे में पढ़ोगे तो आपको थ्योरी में काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम के टाइम में आपको थ्योरी के साथ साथ जो मेन मेन पॉइंट है वो याद रखने भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब एग्ज़ाम का टाइम बिल्कुल करीब आता है तो हम पूरी थ्योरी नहीं पढ़ पाते, तो उस टाइम हमारे पास अगर मेन पॉइंट नोट किए हुए हैं, डेट वगैरह नोट की हुई है, तो हम उन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं कम टाइम में। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने जो नोट बनाया है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए दोस्तों, पहले सबसे पहले जो रेडियो की बात होती है तो अगस्त 1921 के अंदर द टाइम्स ऑफ इंडिया और डाक एवं टेलीग्राफ विभाग ने मुंबई में रेडियो प्रसारण के लिए साझेदारी ली थी। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार आया था तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट आता है, 1923 के अंदर बम्बई रेडियो क्लब की स्थापना हुई थी, उसके द्वारा प्रसारण हुआ था, ठीक है। उसके बाद में मार्च 1926 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का गठन हुआ था, ठीक है। इनमें से भी पर्सन है वो पूछे जाते हैं। अब देखिए 1 मार्च 1930 को आर्थिक संकट के कारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की समाप्ति कर दी गई थी। और उसके बाद 1 अप्रैल 1930 को प्रसारण सेवा उद्योग एवं श्रम विभाग के अंतर्गत इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये देखो ये भी पूछा जाता कि किस विभाग के अंदर हुई थी जो इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना किस विभाग के अंदर हुई थी, ये क्वेश्चन भी आता है। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 30 अगस्त 1935 को लियोनेल फील्ड भारत के पहले प्रसारण नियंत्रक बने थे, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों काफ़ी बार, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब 1936 के अंदर पहला समाचार बुलेटिन हुआ था। उसके बाद में 8 जनवरी 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग से ऑल इंडिया रेडियो नाम रखा गया था, ठीक है। इसके पीछे भी अगर आप पढ़ोगे तो इसकी भी एक थ्योरी है कि किस तरह से इसका नाम रखा गया था। लियोनेल फील्ड जब इस पे काम कर रहे थे तो उन्हें लगा कि इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनी का नाम है वो याद रखना काफ़ी मुश्किल है भारतीय लोगों के लिए, तो उन्होंने सिंपल सा नेम रखा ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। आप चाहो तो वो थ्योरी पढ़ सकते हो, नोट्स जो मैंने बताए थे उनके अंदर है। अब देखिए 24 अक्टूबर 1941 के अंदर सूचना एवं प्रसारण विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है। दोस्तों मेन क्या होता है कि हमें केवल ये जो डेट है ये पूछी जाती है कि 19 जो पहला समाचार बुलेटिन का प्रसारण कब हुआ था, 1936 दे देंगे, 1947 दे देंगे, 1948, 1964 इस तरह से दे देंगे। ये जो डेट है 1 जनवरी 8 जनवरी ये ज़्यादा मायने नहीं रखती, फिर भी आप ध्यान दे सकते हैं इन पर, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को विभाजन के बाद भारत में 6 रेडियो स्टेशन थे, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ, पेशावर, लाहौर और ढाका पाकिस्तान में चले गए थे, ठीक है। 1947 में क्या हुआ था, दिल्ली केंद्र से महात्मा गांधी का संबोधन हुआ था। 1948 को AIR स्टाफ ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हुई थी। 1954 को पहला रेडियो संगीत सम्मेलन हुआ था। ये कई बार ऑर्डर में पूछ लिए जाते हैं कि जैसे संगीत सम्मेलन दे देंगे, कृषि कार्यक्रम दे देंगे और
जैसे स्कूल कार्यक्रम दे देंगे और उन्हें कहेंगे कि आगे पीछे लगाओ, पहले कौन सा है, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो आप इसे थोड़ा ध्यान में रखिए। 1957 को विविध भारती सेवा प्रारंभ की गई थी। 1957 को ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1964 को चंदा कमेटी का गठन किया गया था। 1967 के अंदर विविध भारती पर विज्ञापन की शुरुआत की गई थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब 1969 को युग वाणी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है पेपर के अंदर। 1974 के अंदर संस्कृत भाषा में समाचार, 1976 के अंदर आकाशवाणी और दूरदर्शन अलग हुए थे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आया है। 1980 में रेडियो से लाइसेंस शुल्क ख़त्म किया गया। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, वैसे अभी तक तो नहीं है लेकिन इसकी संभावना है। 1985 में प्रत्येक घंटे पर समाचार बुलेटिन प्रकाशित हुए थे। 1988 में राष्ट्रीय प्रसारण सेवा शुरू की गई थी। 1994 में स्काई रेडियो आया था। 1996 में इंटरनेट पर AIR की शुरुआत हुई थी। 1999 में निजी FM चैनलों की घोषणा की गई थी। दोस्तों ये जो लिस्ट है मैंने वैसे तो काफ़ी अच्छे ध्यान से बनाई है, लेकिन फिर भी अगर आपको इनमें से कोई भी किसी भी तरह की कोई गलती हो तो हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। ठीक है, अब देखिए दूसरे पेज पे हम आते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, और भी जो जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने लिखी हुई है। इसमें देखियो, हाँ, रेडियो सिलोन श्रीलंका के मुकाबले 1957 में विविध भारती की शुरुआत की गई थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था एक बार। ठीक है, और ऑल इंडिया रेडियो ऑडिट रिसर्च विंग 1946, वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे, कम्युनिटी डे, पता नहीं क्या है दोस्तों, 1983 के अंदर। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे 1923 में, कलकत्ता रेडियो क्लब 1923 में, मद्रास रेडियो क्लब 1929 में, ये है। ठीक है, AS बुखारी फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए वो जो मैंने बताया था, ये क्वेश्चन आया था, रेडियो रूरल फॉर्म्स ग्रामीण सेवा की शुरुआत कब हुई थी, विविध भारती की कब हुई थी, युवा वाणी की कब हुई थी, कमर्शियल सर्विस कब शुरू की गई थी, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री 1947 के अंदर सबसे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार पटेल थे। इन्होंने विवादास्पद लोगों को अलग किया था उस टाइम में। 1956-60 में डॉक्टर केसकर फिल्म संगीत पर रोक, शास्त्रीय संगीत को प्रोत्साहन दिया था इन्होंने। और उन समाचार बुलेटिन 1936 में हुए, रेडियो संगीत सम्मेलन 1954 में, विविध भारती, युगवाणी, ये वो ये जो मैंने ऊपर बताई थी। ठीक है, अब देखिए जो पंचवर्षीय योजनाएँ थी उसके अंदर क्या क्या हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना में नए स्टेशन खुले थे, अक्षमता बढ़ी थी। सेकंड पंचवर्षीय योजना में 3 नए स्टेशन खुले थे, लोक संगीत कार्यक्रम का आगाज हुआ था। थर्ड जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें मीडिया व्यू प्रसारण शुरू किए गए थे और चंदा कमेटी गठित की गई थी। अगली फोर्थ थी उसमें विज्ञापन सेवा, आचार संहिता, युगवाणी, विदेशी सेवा, पुरस्कार वगैरह ये दिए गए थे। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों अगर एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी किसी भी तरह की आपको कोई गलती दिखाई देती है इनमें, तो आप हमें ज़रूर बताइए ताकि हम उसे ठीक कर सकें। और दोस्तों आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो कंटिन्यूसली डालते रहेंगे, जो आपके कम्युनिकेशन के जो भी एंट्रेंस टेस्ट वगैरह है और UGC नेट के एग्ज़ाम, उनमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।